हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं क्या है, हाउस एक्सप्लोरर्स। काम भी जानते हैं क्या है, एक्सप्लोर करना आपके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ताकि सर्चिंग और परचेजिंग ईजी हो जाए। अगर आप सर्च कर रहे हैं एक लग्जीरियस 5 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर चाहते हैं, सुपर स्पेशियस हो, सुपर लग्जीरियस हो, लोकेशन प्राइम हो, पार्क फेसिंग हो, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगेगी। चाहते हैं उसमें लिफ्ट आ रहा हो, स्ट्रीट पार्किंग आ रही हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं 350 स्क्वायर मीटर साइज़ में बने हुए एक लग्जरियस 5 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर को, जिसमें आपके 5 बेडरूम्स आ जाते हैं, नियर अबाउट आपके 5 वॉशरूम्स देखने को मिल जाएंगे इस प्रॉपर्टी में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया लिफ्ट आने वाला है, तो देखिए ये आपका लिफ्ट सेक्शन हो जाता है। अभी आपका लिफ्ट प्लेस होना बाकी है, विद इन अ मंथ या 2 मंथ में आपका ये लिफ्ट आ जाएगा। दोस्तों ये हो जाती है हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी, आइए चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए ये हो जाता है इसका एंट्री डोर। अगर आप इसकी हाइट देखेंगे और विड्थ देखें, क्या इसकी विड्थ आती है, हाइट तकरीबन इसकी तकरीबन 8 से 9 फीट करीब आती है, और इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी आती है। प्रीमियम आपका जो है ये डोर दिखाई देता है। अंदर आते हैं, उसका वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम इसमें बात करें लॉक फिटिंग की, ये भी सब आपको बाय गोदरेज ही दिए गए हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। देखिए अगर हम इसके दोस्तों प्राइसिंग की बात करें, तो इसकी प्राइसिंग आती है कहीं ना कहीं 3 करोड़ 90 लाख। बिल्कुल 350 मीटर साइज़ है इसका, फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी है, 3 90 की प्राइसिंग है। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, हम आपको बिल्कुल शोकेस कर रहे हैं ये चीज़। अगर हम बात करें, ये हो जाता है इसका लिविंग एरिया। देखेंगे लिविंग एरिया आपका काफ़ी स्पेशियस आने वाला है, आपका मान के चले 9 सीटर या 11 सीटर सोफा भी आपका आराम से प्लेस हो जाएगा। ये डेडिकेटेड आपको यू शेप में जो पूरी जगह दिख रही है ना, ये आपका लिविंग के लिए एरिया निकल के आता है। क्राफ्ट वर्क अच्छा किया गया है। अगर हम वॉल्स पे ध्यान दें, तो देखिए आपके आर्टिफैक्ट जितने भी लगाए गए हैं काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे इसमें आपको। ऊपर देखेंगे तो आपका देखिए स्ट्रीट जो, अगर आप इसमें अगर आप वो लगाना चाहते हैं, क्या कहते हैं इसमें AC, तो आपका जो स्प्लिट AC के लिए यहाँ पर आपको सारा प्रोविजन है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये देखिए मेन वॉल को अच्छे से हाईलाइट किया गया है, बैक ऑफ द सोफा वाला वॉल होगा, इस पर भी जो वर्क है ना काफ़ी एलिगेंट लगता है। बिल्कुल वीडियो में देखिए आप कैसा दिख रहा है, बिल्कुल आप हमें कमेंट से लिख के बताइएगा। एक काफ़ी प्रीमियम वर्क है इस पर जो किया गया है। फ्लोरिंग पर अगर हम ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये आपके इटालियन स्टाइल की आपके टाइल्स हैं, ग्लॉसी टाइल्स होने वाले हैं। देखिए इसमें अगर आप इसमें रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसमें अच्छा रिफ्लेक्शन दिख जाता है आपको। यहाँ पर भी आपको वॉल को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके दे रहे हैं, प्रीमियम लगता है। मतलब पूरे अगर आप देखेंगे ना, वॉल्स पे आपके आर्टिफैक्ट्स लगे हैं, प्लस ये भी अगर देखेंगे आप, देखिए वॉलपेपर का काम है, तो वॉल को अच्छे से हाईलाइट करके देते हैं। फॉल सीलिंग पर देखें तो देखिए फॉल सीलिंग पर आपको बेहतरीन काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये विंडो आ रहा है दोस्तों वेंटिलेशन के लिए, जैसे शाफ्ट एरिया ओपन होता है तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग एरिया। अगर हम बात करें, देखिए आपके 2 बेडरूम्स आपके राइट साइड में आ जाते हैं, और लेफ्ट साइड में हमारे 3 बेडरूम्स आएंगे। पहले हम इस वाले एरिया को हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें, तो देखिए यहाँ पर भी आपकी जो है यहाँ पर चीज़ें लगाई गई हैं, तो आप उसमें भी कुछ भी चीज़ें अपनी प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये वाला बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं, आइए। ये देखें दोस्तों, ये हो जाता है हमारा पहला बेडरूम। अगर बेडरूम देखें ना, काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। जितने भी बेडरूम्स हैं दोस्तों, सारे के सारे मास्टर बेडरूम ही समझ सकते हैं, क्योंकि सबका जो है डायमेंशन काफ़ी अच्छा आता है। इतने बिग साइज बेडरूम्स हैं कि आपका किंग साइज बेड आप आराम से प्लेस करेंगे, तभी भी जगह बहुत बस्ती है इसमें। ये बैक ऑफ दी बेड वाला वॉल है, अच्छा काम किया गया है इस पर। नीचे तो फ्लोरिंग पे आपको वही टाइल वर्क ही देखने को मिलेगा, स्लाइडिंग डोर के साथ में यहाँ वार्डरोब देखने को मिल जाता है आपको, तो ये अच्छा काम और करके दे रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं। अंदर की तरफ है तो बाहर कोई स्पेस ले ही नहीं रहा है, तो ये पूरी जगह आपको खाली मिलती है। टीवी पैनल यहाँ बना के दिया गया है, ये भी अच्छा लग रहा है। जितना भी वुड वर्क है दोस्तों पूरे घर में आपका SGMR क्वालिटी वुड पर ही किया गया है। यहाँ पे आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, चेकआउट कर लेते हैं। ये देखेंगे तो ये हमारा अटैच वॉशरूम हो जाता है दोस्तों। इसके भी ड्वेल टोन में आपके टाइल वर्क हैं, ये ब्लैक टोन में है और ये हल्का सा क्रीमिश कलर है। होपफुली आपको वीडियो में सब समझ में भी आ रहा हो। नीचे देखेंगे तो नीचे टाइल वर्क आपको वुड स्टाइल टाइल्स लगा के दे रहे हैं, और यहाँ पर बिग साइज मिरर आ जाता है, और ये देखिए आपका वॉश बेसिन कमाल लगता है। नीचे पूरा वैनिटी के साथ में आएगा, ये सब वैनिटी के साथ में आ रहा है, तो स्पेशियस आपका वॉशरूम निकल के आता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला बेडरूम और उसका अटैच वॉशरूम। अगर हम यहाँ से देखें, तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक इसकी बैक की बालकनी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं। ये भी आपको यूजेबल एरिया देखने को मिलेगा, जाल वर्क पूरा किया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये वेंटिलेशन और मिलती रहेगी। ये तो दोस्तों हमने चेक कर लिया पहला बेडरूम, चलिए चलते हैं और इसका हम सेकेंड बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले देखिए ये आपको अलग सा एक स्पेस अलग मिल जाता है,
चाहे तो आप यहाँ पर अपनी कुछ और चीज़ें प्लेस करके इस जगह को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बैक का जो है शाफ्ट देखने को मिल जाएगा, बैक बालकनी कह सकते हैं, बैक शाफ्ट कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये यूजेबल एरिया मिल जाता है, पूरा जाल वर्क है तो वेंटिलेशन यहाँ पूरा रहेगा, प्लस आप इस जगह को भी यूटिलाइज कर पाएंगे। फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है दोस्तों आपका ये जो मकान है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो जाता है, और देखिए ये तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम इसकी फ्लोरिंग पे देखें तो देखिए आपका सारा वुड स्टाइल में पूरा वर्क करके दे रहे हैं कि बैक ऑफ द बेड का वॉल है, आपका बेड कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे प्लेस हो जाएगा, तो ये इस तरीके की वॉल दिखेगी आपको। यहाँ वार्डरोब आ जाता है हमारा, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ में वार्डरोब आ रहा है, डीप वार्डरोब है, स्पेशियस बेडरूम है। अगर आप अपना किंग साइज बेड लगाएंगे तभी भी आपको ये पूरी जगह और खाली मिल जाएगी। ये देख सकते हैं साइड में अपने काउचेस लगाएं, चीजें लगाएं, अच्छा दिखेगा। वॉल सीलिंग पर देखेंगे अच्छा काम है, देखिए यहाँ तो डबल फैन देखने को मिलता है आपको, LED लाइट्स और स्ट्रिप लाइट का वर्क एलिगेंट लगता है। यहाँ दोस्तों देखें तो ये आपका TV पैनल बना के दिया गया है, तो ये वाइट एंड आपका ग्रे स्टोन में एलिगेंट लग रहा है, ये सब आपका देख सकते हैं, पैनल वर्क है, खूबसूरत लगता है। यहाँ पे और क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये इसके साथ में अटैच वॉशरूम और आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अभी लाइट जल नहीं रही है, होपफुली आपको फिर भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये लुक एंड फील में आने वाला, कोशिश करते हैं अगर यहाँ से चलते हुए। देखिए हाँ देखिए ये भी आपका अच्छे साइज में आएगा आपका वॉशरूम, एलिगेंट लगता है। 5 वॉशरूम आ रहे हैं दोस्तों इसमें, तो ये भी अच्छे साइज के साथ में आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर एक आपको डोर दिख रहा है, यहाँ से आपको एक साइड बालकनी अलग मिल जाती है। ये देखें ये आपकी साइड बालकनी निकल के आती है, तो वेंटिलेशन आपके हर बेडरूम्स में प्रॉपर है। ये देखेंगे ना ये साइड बालकनी आ रही है आपकी, तो बिल्कुल यहाँ से आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमने चेक कर लिए हैं इसके 2 बेडरूम्स, लिविंग आपको चेकआउट करा दिया है, आगे चलते हैं और चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगर हम लिविंग से हम राइट साइड की तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे भी आपको अच्छा क्राफ्ट वर्क देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में दोस्तों हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है जो कि हमारे बेडरूम से भी अटैच हो जाता है। ये वॉशरूम देख सकते हैं, इसका साइज भी अच्छा आ रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं जो चीजें हैं ना आपके बाथ फिटिंग से सैनिटरी फिटिंग है सब आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही, और साइज सबके अच्छे आ रहे हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा कॉमन कम अटैच वॉशरूम। ये जो एरिया आपको सब देखने को मिल रहा है दोस्तों ये सब आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है, देख सकते हैं क्या वाइड डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 8 सीटर या 10 सीटर अगर आप डाइनिंग टेबल लगा रहे हैं तभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना बिग साइज है इसका। वॉल पे यहाँ पर भी क्राफ्ट वर्क अच्छा है, इस वॉल को भी यहाँ हाईलाइट करके दे रहे हैं। इसके देखेंगे अगर हम सीलिंग पर भी अच्छा काम किया हुआ है, शायद हम दोस्तों हमने इसका लिविंग का सीलिंग आपको दिखाना भूल गए। ये देखिए इस पर भी फॉल सीलिंग काम बेहतरीन देखने को मिलता है इसमें, तो सब आपको अच्छा काम ही इसमें देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा डाइनिंग हो गया, अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा 3rd बेडरूम आ जाता है, आइए इसे चेकआउट कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 3rd बेडरूम, देख सकते हैं इसका साइज भी अच्छा आएगा। कहीं ना कहीं आप बेड को इस तरीके से प्लेस करेंगे, बैक ऑफ द बेड का वॉल है, नीचे फ्लोरिंग सेम है, इसमें भी आपके स्लाइडिंग डोर के साथ में वार्डरोब आ रहा है। सारे के सारे वार्डरोब दोस्तों SGMR क्वालिटी वुड पर ही बने हैं, ऊपर माइका का वर्क है, खूबसूरत लगता है ये। और सीलिंग पर ध्यान दें तो यहाँ पे भी आपको अच्छा काम देखने को मिलेगा। और ये हो जाता है दोस्तों इसका TV पैनल, यहाँ पे आपका TV वॉल बना के दिया गया है, अच्छा लग रहा है। हमने सिर्फ फेसिंग की बात नहीं की दोस्तों, ये जो आपका फेस करता है टूवर्ड्स ईस्ट करता है, ईस्ट डायरेक्शन में इसकी फेसिंग आएगी दोस्तों। यहाँ से भी हम बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे उससे भी कर पाएंगे बेडरूम से, या हम आपको लास्ट में दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे तो देखिए ये आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है, ये देखिए ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है, हर बेडरूम के साथ में दोस्तों आपका वॉशरूम कनेक्टेड है। देखेंगे इसका साइज काफ़ी बेहतरीन आ रहा है, सारे वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ये देखेंगे देखिए सब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लगा के दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं क्वालिटी के मामले में। ये देखिए डीप आपका शावर एरिया निकल के आता है यहाँ पर, और स्पेशियस और जो टाइल वर्क है ना काफ़ी एलिगेंट लगता है इसमें, जितना भी काम किया गया है ना बेहतरीन है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 3rd बेडरूम, चलिए बढ़ चलते हैं और एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। चीज़ें दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल हम भी बनाते बनाते थक जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो तो बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो में आप जरूर टाइम अपना डेडिकेट करें ताकि इसकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 4th बेडरूम रहने वाला है दोस्तों, इसका साइज़ भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका बैक ऑफ द बेड का वॉल है, ये भी काफ़ी बेहतरीन लगता है, साइज़ इसका अच्छा है। बेड कुछ आप इस तरीके से प्लेस करेंगे, किंग साइज बेड भी करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ
मान के चले इससे भी उस तरफ ही आएगा, तो ये आपको सारा जो जगह है सब आपको वॉकिंग स्पेस अच्छी मिलेगी। यहाँ पर तो चाहे तो और काउच भी प्लेस कर पाएंगे। यहाँ टीवी पैनल बना के दिया गया है आपके लिए, और ये हो जाता है आपका वार्डरोब। देख सकते हैं बिग साइज वार्डरोब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सब एचडीएमआर क्वालिटी बोर्ड पर ही आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके साथ में भी आपको ये अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। देखिए ये वही वाला है जो हमने लिविंग से जिसको चेक किया था, ये देख सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके के लुक एंड फील के साथ में आ रहा था ये, तो ये आप कॉमन कम अटैच था। तो चलिए दोस्तों ये हमने चेक कर लिया है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ जो हो जाता है पांचवा बेडरूम, फिर आपको किचन दिखाएंगे। ये हो जाता है दोस्तों हमारा फिफ्थ बेडरूम, देख सकते हैं इसका साइज भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये सब आपका वॉलपेपर का वर्क है, देखिए एसी के लिए सारी आपको वायर वर्क करवा के ही दे रहे हैं, सभी बेडरूम्स में है वायर वर्क। आपका साइज अच्छा है, आप अपना किंग साइज बेड आराम से प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर सब आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वार्डरोब जो है आपका वॉल माउंटेड रहेगा, डबल डोर के साथ में आ रहा है, डीप वार्डरोब है ये आपका। और क्या है दोस्तों इस बेडरूम में बिल्कुल अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से आपको ये अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है इसका, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इसका अटैच वॉशरूम हो जाता है, साइज बेहतरीन है। ये भी देखेंगे डबल डोर में टाइल वर्क है इसके, और जितने फिटिंग फिटमेंट्स हैं दोस्तों सब आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, सब जैक्वार की ही आएंगे आपको, पूरे घर में ही आपको जैक्वार के प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से दोस्तों आप फ्रंट बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि बालकनी मेन यूएसपी है, बिग साइज बालकनी के साथ में आता है, इतना बिग साइज बालकनी है इसका कि उसमें आप तकरीबन 10 से 15 लोगों की तो गैदरिंग ही कर लेंगे। ये आ जाता है हमारा किचन, किचन देखेंगे तो एल शेप के साथ में आता है, देख सकते हैं ये किचन आने वाला है। किचन पे जो वॉक है ना दोस्तों काफी प्रीमियम फील होता है। स्लैब की बात करें तो ऑफ वाइट कलर में आपका स्लैब है, और ये सारे सेक्शंस की अगर हम बात करें ना तो देखिए ये भी आपको कहीं ना कहीं ऑफ वाइट कलर टोन में ही दिए गए हैं, सब क्वालिटी वुड पर है। और देखिए इस पर भी जो इसके हैंडल्स और सारी चीजें दिए गए हैं ना काफी प्रीमियम लगते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कुछ सेक्शन तो आपके ग्लास मेड है प्लस एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ में है, ये देख सकते हैं इस तरीके से बनाया गया है। नीचे का टाइल वर्क देखेंगे ना तो ये भी काफी प्रीमियम लगते हैं, क्लासी टाइल्स हैं ये, अच्छे लग रहे हैं आज के आज के नॉर्म्स पर हैं ये, अच्छे दिखते हैं ये। इसी के साथ दोस्तों आपको प्री फिटेड आपको चिमनी देखने को मिल जाएगी, वेंटिलेशन के लिए आपके विंडोज आ ही रहे हैं, स्पेशियस है आपका, देख सकते हैं जितना भी आपका सामान हो आराम से आ जाएगा। यहाँ डबल सिंक आ जाता है आज के नॉर्म्स पर, ये सारी चीजें लगा के दे रहे हैं आपको फिटिंग फिटमेंट जो है। इसके बकेट आपको चेकआउट करा देता हूँ, देख सकते हैं बिग साइज बकेट आ रहा है इसका, देख सकते हैं क्लोजर, देखें इसका क्लोजर काफी अच्छा लगता है, ये देखें तो सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा किचन, और ऊपर सीलिंग पर भी देखेंगे तो फैन आ जाता है आपका, फॉल सीलिंग का काम भी अच्छा किया गया है, और ये ओपन किचन है तो आपका डाइनिंग इधर होगा, किचन इधर, अच्छा फूड बनाए ही सर्व कर दे। अब वक्त आ जाता है दोस्तों इसका बालकनी चेक करने का, चेकआउट कराता हूँ मैं आपको, दिखाते हैं कितना लेंथी आने वाला है, आइए चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम बालकनी चेकआउट कर लेते हैं, आइए देखिए आपको मैं इसका बालकनी दिखाता हूँ। ये देखिए ये है कुछ साइज इसके बालकनी का, देखिए इतना बिग साइज आता है ना इसका कि आप यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 लोगों की गैदरिंग आपकी आराम से हो जाएगी। ऊपर सीलिंग पर वर्क देखेंगे एलिगेंट लगता है, और देखिए जो मैं आपको बेडरूम से कनेक्टेड दिखा रहा था ना, देखिए जो बालकनी आ रही थी देखिए यही थी, यहाँ से आपको बिल्कुल यहाँ से होते हुए ये बालकनी जाती है, और यहाँ से बिल्कुल आपका एल शेप में बालकनी हो जाती है, देखिए बालकनी खत्म ही नहीं होगी आपकी, देखिए बिग साइज आपको बालकनी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रहा था, स्वर्ण जयंती पार्क सामने आ जाता है, डबल साइड रोड फेसिंग में है, तो चीज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बिग साइज आपका बालकनी के साथ में आ रहा है, 5 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर, साइज हो जाता है 350 स्क्वायर मीटर का, लोकेलिटी हो जाती है नीतिखंड, तो बिल्कुल इसमें पार्किंग तो आपको देखने को मिल ही रही है। तो चाहते हैं कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को विजिट करना तो नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है, नंबर पर कॉल करें और विजिट प्लान आउट जरूर करें इससे पहले कि ये सोल्ड आउट हो जाए। कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ ही ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी हो, देखने का मन बना रहे हैं तो कॉल कर लें आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।